नगर में नीम के पेड़ पर टुनी चिड़िया अपने पति चिड़ू के साथ रहती है। उसने अपने घोंसले में चार अंडे दिए। एक दिन वह अपने पति चिड़ू से कहती है, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमारे अंडों में से हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे। चिड़ू कहता है, हाँ हाँ, मैं भी तो बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन हमारे बच्चे इन अंडों में से बाहर आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद टुनी के अंडों से चूज़े निकले। चूज़े देखकर दोनों पति पत्नी को बहुत खुशी हुई। जब टीनू चिड़िया दाना लेने के लिए जाती तो चिड़ू घोंसले में रहता। और जब चिड़ू दाना लेने के लिए जाता तो टीनू चिड़िया अपने घोंसले में रहती। इसी तरह दोनों पति पत्नी बारी बारी से दाना लेने के लिए जाते। इसी तरह हंसी खुशी से उनके दिन गुज़र रहे थे। बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन की बात है जब चिड़ू दाना लेने बाहर गया। टुनी भी घोंसले में नहीं थी, वो भी दाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। उसी समय वहाँ एक सांप आ निकला। वो पेड़ पर चढ़ा और घोंसले में घुस गया। उसने टुनी के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। जब टुनी लौटी और उसने देखा कि एक सांप उसके बच्चों को खा रहा है तो उसने उस सांप को भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई और देखते ही देखते सांप उसके चारों बच्चों को खा गया। टुनी बहुत परेशान हुई और उस घोंसले के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। जब चिड़ू वापस आया तो उसने देखा कि टीनू चिड़िया घर की छत पर बैठकर रो रही है और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। तो उसने टीनू से पूछा, क्या बात है टीनू, तुम रो क्यों रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? टुनी रोते हुए बोली, एक सांप ने हमारे बच्चों को खा लिया और वो हमारे घोंसले में बैठा है। ये सुनकर चिड़ू भी रोने लगता है। दोनों पति पत्नी काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। कुछ समय बाद सचिन वहाँ अपनी पत्नी के साथ आता है और नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सचिन की पत्नी की उंगली में किसी कीड़े ने काट लिया, इसलिए उसने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर पास में ही रख ली। जैसे ही टीनू की नज़र अंगूठी पर पड़ी उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो जल्दी से उड़ी और जाकर उसने अंगूठी को उठा लिया और ले जाकर घोंसले में डाल दिया। सचिन ने यह सब देख लिया था, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और जाकर एक डंडा ले आया। उसने डंडे से घोंसले को ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही घोंसला ज़मीन पर गिरा सांप उसमें से निकलकर भागा, लेकिन सचिन ने उसे भागने नहीं दिया और डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। सांप के मरने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली और फिर वहां से उड़ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।